इंदौर रोड स्थित दो तालाब के समीप रंगीन मछली घर संचालक द्वारा रंगीन मछली की आड़ में अवैध रूप से पहाड़ी कछुए व जंगली तोता का विक्रय किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग अधिकारी कौशाम्बी झा द्वारा मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जहां से 7 पहाड़ी कछुए के साथ 2 जंगली तोते के बच्चे प्राप्त हुए हैं। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगीन मछली घर संचालक से पूछताछ जारी है, जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच और भी है। ये क्या है? पूछो। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि उज्जैन में एक रंगीन मछली घर दुकान है, वहाँ से कछुओं का व तोतों का विक्रय हो रहा है, मैं स्टाफ गई वहाँ पे सर्चिंग की। आज सुबह हमने तो वहाँ पे हमें 7 कछुए और 2 तोते के बच्चे प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान में हमारी जो भी जाँच है वो प्रचलित अवस्था में है। अभी कुछ भी कंक्लूजन देना, हमें स्पीशीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उसके उपरांत हम वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करके आगे की कार्यवाही। कल रात को भी टीम पहुंची थी और वो जी, कल हमको जब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, मैं स्वयं ग्राहक बन के गई, उसके द्वारा मुझे कंफर्म किया गया कि यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। उसके उपरांत उसको कुछ संदिग्ध महसूस हुआ और वो ताला लगा के वहाँ चला गया, तो रात्रि भर मेरे स्टाफ ने वहाँ पर ड्यूटी करी, जिससे कि किसी भी प्रकार से दुकान खोल के कुछ भी वो वहाँ से बाहर ना ले जाया जाए। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं स्टाफ हमने वहाँ जाकर संबंधित को बुलाया, उसको कि सर्च के लिए सहयोग करे वो सरकारी, और उसने सहयोग किया और हमारे द्वारा सर्च किया गया और उसमें से जो भी मिला मैं आपको बता चुका। मैम, आरोप सिद्ध होता है तो किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी हमने जांच प्रचलित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पीशीज आइडेंटिफाई होंगी, फिर कौन सी धाराएं लगाएंगे, तो उस हिसाब से सज़ा निर्धारित की जाएगी। वर्तमान स्थिति में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, जांच प्रचलित है, उसके उपरांत ही हम कुछ कंक्लूजन ले पाएंगे। ठीक, आपका पूरा नाम? और कौशाम्बी झा, वन परिक्षेत्र अधिकारी उज्जैन।